पिछले साल प्याज की कमी के चलते दामों में जोरदार तेजी देखने को मिली थी। कुछ देशों से प्याज आयात करने की भी नौबत आई थी। प्याज का आयात होने से कीमतों पर दबाव देखने को मिला था। सरकार ने भी अपना बफर स्टॉक मार्केट में उतारा था, जिससे कीमतें और ज्यादा गिरी थी। पिछले साल प्याज की कीमतों में उछाल देखकर किसानों में एक उम्मीद जगी, एक आस जगी कि इस बार वे प्याज की ही खेती करेंगे और अपने हुए नुकसान की भरपाई कर पाएंगे और मुनाफा भी कमा पाएंगे। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्याज किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल प्याज की कीमतें 80 से 100 रुपए किलो तक देखने को मिली थी। इसी को देखते हुए इस बार किसानों ने प्याज की बुआई ज्यादा कर डाली। इस बार प्याज के रकबे में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है और उत्पादन भी ठीक ठाक रहने का अनुमान है। अब प्याज किसानों को डर सताने लगा है कि कहीं अब ज्यादा पैदावार के चलते उनकी उपज के कम दाम ना मिलते नजर आए, और अभी मंडियों में यही होता हुआ भी दिख रहा है। मंडियों में प्याज की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है कि उनकी लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मौसम की गतिविधियों में फिर से तेजी देखने को मिली है, जिससे प्याज की फसल पर भी कुछ प्रभाव पड़ता दिखाई दिया है। लेकिन उत्पादन इतना है कि प्याज की किल्लत महसूस नहीं की जाएगी। प्याज की कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार ने भी अपना बफर स्टॉक बनाया हुआ है, जिसे वे दामों को कम करने के लिए सही समय पर बाजार में उतारेगी। लगभग एक महीने पहले शोर मचा हुआ था कि प्याज की कीमतें इस बार किसानों को मालामाल कर डालेंगी, प्याज किसान इस बार काफी मुनाफा कमाएंगे। अब प्याज के दाम और प्याज किसानों के हालातों को देखकर ये सब बातें गलत साबित होती हुई नजर आ रही हैं। त्योहारी सीजन होने के बावजूद प्याज की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल सावन, श्राद्ध, नवरात्रि, कनागत आदि में लहसुन प्याज की खपत कम हो जाती है, जिससे कीमतों पर भी एक प्रभाव पड़ता नजर आता है। प्याज की कीमतों में गिरावट का एक बड़ा कारण ये भी है। पूजा वाले त्योहारों में लोग मीट नहीं खाते, जिससे प्याज भी कम खपती है। अभी फिलहाल प्याज की मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इसकी कीमतों में कुछ बढ़ोतरी भी देखने को मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।